बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। मैं अमजद पठान। आज हम बात करेंगे डबल हेलमेट, नो हॉकिंग और ट्रैफिक के बारे में। हमारे साथ में मौजूद हैं श्री गायकवाड़ साहब, ट्रैफिक के जो सीनियर हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कुछ रूल रेगुलेशंस के बारे में, लोगों को जानकारी देते हैं इस बारे में। सर, बॉम्बे प्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गायकवाड़ साहब, आज जो नो हॉकिंग का जो वेनेसडे को जो दिया हुआ है, तो इस बारे में क्या जानकारी बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? नो हॉकिंग के बारे में ये है कि मुंबई पुलिस ने एक दिन, हफ्ते में एक दिन चुना है कि जिस दिन में पूरा दिन नो हॉकिंग डे ड्राइव करना है। उसमें लोगों को अवेयर करना है कि हॉर्न बजाना नहीं है। जैसे सिग्नल जो रेड हो जाता है उसके जैसे सेकंड्स कम होते जाते हैं, जैसा 10 सेकंड बाकी हैं, 5 सेकंड, तो लोग पीछे से ग्रीन होने के पहले हॉर्न बजाते, तो ये सब नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो बाइक है, बाइक में प्रेशर हॉर्न लगा दें। जो कंपनी से जो आते हैं हॉर्न, वो छोटे रहते हैं, उनकी आवाज़ ज़्यादा नहीं होती, तो लोग उसमें मॉडिफिकेशन करके उसमें डबल हॉर्न लगा दें, और जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है तो उसके लिए। और जो सिग्नल पे हॉर्न बजाते हैं अननेसेसरीली हॉकिंग, उसके लिए 1000 रुपये का जुर्माना है, और जो मॉडिफिकेशन है उसके लिए 500 रुपये का जुर्माना है। तो वो नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से ये हफ्ते में एक दिन, लास्ट वीक में हम लोगों ने ये 3 घंटे के लिए एक ड्राइव किया था, उसके बाद अभी ये हफ्ते में एक दिन करना है, तो वेनसडे चूज़ किया है कि जिस दिन अवेयरनेस उसमें रहेगा। हमारे साथ में जो एनजीओ है वो भी इसमें काम कर रहे हैं, जो नॉइस पोल्यूशन के लिए काम करते हैं, उनका भी हमारे साथ में, उनके उनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है कि इसके लिए वो हमारे साथ में काम कर रहे हैं। तो मेन बेसिकली इसमें यह है कि अननेसेसरी हॉकिंग नहीं करना है, और प्रेशर हॉर्न जिसके आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है, जो हॉर्न है उसका आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है, जो कंपनी से आते हॉर्न वही हॉर्न रखना है, बाइक में बड़े हॉर्न नहीं लगाना है, मेन उसमें ये है। तो परेशानी तो ऐसा तो टू व्हीलर से भी है, फोर व्हीलर्स के हॉर्न से भी है, क्योंकि उसमें भी जो है डबल प्रेशर हॉर्न लगाया रहता है। और आज देखा जाए तो कहीं, जैसा कि आपने अभी सिग्नल की सिर्फ बात बताई, आज गलियों के अंदर जो है हॉर्न एक बार जो शुरू कर देते हैं तो एकदम एंड तक हॉर्न जो है बजाता हुआ आदमी निकलता है, तो ऐसा क्यों? आखिर में गली वालों के ऊपर मतलब क्यों ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाएगा? ये तो हर जगह पे है, ऐसा नहीं है। जैसा रूल जो है, आपके घर के नीचे भी आपको उसको फॉलो करना है, मोहल्ले में जाते वहाँ पर भी फॉलो करना है, हाईवे पर जाते वहाँ पर भी फॉलो करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई गली में तुम हॉर्न बजा सकते हो और बाहर नहीं बजा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो एंट्री को लेकर सर क्या बताना चाहोगे? नो एंट्री के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी गाड़ी नो एंट्री में आती है उसके खिलाफ हम लोग FIR रजिस्टर कर रहे हैं, उनकी गाड़ी सीज कर रहे हैं। और हर जगह पे जहाँ पे नो एंट्री है, BMC से हम लोगों ने उसके बारे में कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे बोर्ड्स भी लगाए, इसके पहले भी थे, और उसके बारे में हम लोग और कार्रवाई कर रहे हैं कि नो एंट्री में गाड़ी नहीं चलाई जाए। अच्छा, कई जगहों पर देखा गया है कि डबल पार्किंग, ट्रिपल पार्किंग, कैंपो आड़ा तड़ा खड़े कर डालते हैं, जो गोडाउन वाले, ट्रांसपोर्ट वाले जो है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती, वहाँ के रहवासियों का कहना है, तो आखिर में ऐसा क्यों? अभी अपने एरिया जो अपना है वहाँ पे मतलब लगभग 50-60 साल 100 साल से ट्रांसपोर्ट वाले हैं, बहुत पुराने हैं, तो वो अगर जहाँ से भी हमें कंप्लेंट आती है हम लोग वहाँ पर जाके उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। अगर गाड़ी ऐसी लगाई है कि जिसकी वजह से ट्रैफिक को परेशानी होती है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, वहाँ पे भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई अभी भी चालू है और हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। जैसा कि हम बात करेंगे, केशव जी नायक रोड है, डोंगरी है, SVP रोड है, और ऐसे कहीं इलाके, बात बाजार है, मस्जिद बंदर है, तो वहाँ पर लोगों को आज भी जो है रेजिडेंशियल वालों को काफ़ी परेशानी है, तो कब तक उनको जो है परेशानी झेलना पड़ेगा? हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, जल्दी उनका वो लोगों का कुछ मीटिंग लेके उसके बारे में कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। सर, डबल हेलमेट के बारे में बात करते हैं। आज 9 तारीख के बाद में डबल हेलमेट का जो है सिलसिला शुरू होने वाला है। श्री संजय पांडे साहब ने जो है ये कहा है कि डबल हेलमेट जो है लोगों की सेफ्टी के लिए पहना जाएगा, तो डबल हेलमेट को लेकर क्या बताना चाहोगे? पिलियन राइडर को भी हेलमेट ज़रूरी है, इसके लिए हम लोग 9 तारीख के बाद उसमें भी फाइन मारना चालू करने वाले हैं। मेन ये है कि सेफ्टी के हिसाब से ये सब एक्शन लिया जाने वाला है, कि जब भी एक्सीडेंट होते हैं, जो सर्वे होता है उसमें पता चलता है कि अगर हेलमेट पहना होता
तो शायद ये हादसा नहीं होता, उस हिसाब से उसमें कंपलसरी किया है। आज कई महिलाओं का कहना है कि डबल हेलमेट अगर हम पहनेंगे, पीछे बैठेंगे पहनेंगे, उसके बाद में बच्चा हाथ में रहेगा, तो हम हेलमेट संभालेंगे कि मतलब बच्चे को संभालेंगे, तो आपका क्या कहना है? तो वो तो थोड़ी दिक्कत होती है उसमें। मैं तो कहता हूँ बच्चों के लिए भी हेलमेट चाहिए, छोटे हेलमेट भी मिलते हैं, तो अपनी सेफ्टी के हिसाब से ले इसको, अपनी परेशानी के हिसाब से नहीं ले। अभी बारिश का सीज़न शुरू होने वाला है, हेलमेट अगर गीला हो जाएगा तो लोग सर पे कैसा पहनेंगे उससे? उसके बारे में क्या कहेंगे, वो भी गीला भी होता है तो भी सर तो मेन है ना, और ज़्यादा तो बारिश में गिरने की तो संभावना ज़्यादा होती है, हेलमेट तो इम्पोर्टेंट है ही। वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि डबल हेलमेट से तो और परेशानी झेलना पड़ेगा लोगों को। नहीं मैं वही बोला ना कि आप परेशानी के हिसाब से मत लो, सेफ्टी के हिसाब से लो। और कुछ लोगों का कहना है कि सर हेलमेट अगर हम गाड़ी में बांध के जाते हैं तो कहीं हेलमेट ऐसे चोरी हो जाती है, तो क्या अभी हमारा एक ही काम रहेगा या कि भाई हेलमेट चोरी होगी तो हेलमेट खरीदना बेचना, हेलमेट खरीदना चोरी होना? जो जैसा छोटी गाड़ी है उसमें डिक्की में रख सकते हो, और अगर बड़ी गाड़ी है तो उसमें वायर लॉक करके रख सकते हो, वो एक ऑप्शन है कि अगर गाड़ी में हेलमेट आप लॉक करके रखते हो तो सेफ है। फिर भी अगर चोरी होता है उसके बाद फिर कंप्लेंट करना है, दूसरा क्या है। बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में श्री गायकवाड़ साहब, इन्होंने हर चीज़ के बारे में जो है जवाब दिया, जैसा कि डबल हेलमेट है और नो पार्किंग है, ऐसे कई सवालात के हमने इनसे जवाब लिए। बॉम्बे प्रेस के साथ में अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज ताज़ा खबरों के लिए।